नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कोलकाता में दो दिवसीय धरना शुरू हो गया। 100 दिन काम योजना और अन्य योजनाओं के लिए राशि जारी नहीं करने के चलते केंद्र सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी दो दिन के धरने पर बैठी। ममता ने कहा कि दो दिन के धरने के बाद वो आगे की रणनीति की घोषणा करेंगे। खबर देखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दो दिनों के लिए धरने पर बैठ गई हैं। ममता 48 घंटे तक केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगी। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार बंगाल की योजनाओं के लिए पैसे नहीं दे रही है। बनर्जी ने मंगलवार को केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा, केंद्र सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए नहीं दिए हैं, 100 दिन काम योजना के तहत एक दिन का काम नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बंगाल सरकार ने जीएसटी का समर्थन करके गलती कर दी है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि इस साल भी बजट में मनरेगा और आवास योजना के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया है। वो 29 और 30 मार्च को धरना देने के बाद आगे की रणनीतियों की घोषणा करेगी। वहीं टीएमसी के सभी सांसदों ने भी लोकतंत्र संघवाद और संसद बचाओ के मुद्दे को लेकर बुधवार की सुबह संसद भवन में अम्बेडकर प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं और इसको देखते हुए तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री के भतीजे और तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी भी केंद्र की नीतियों और बंगाल के प्रति उसके सौतेले रवैये के विरोध में शहीद मीनार मैदान में एक रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के हाथों सागर दिघी उपचुनाव में हार से बौखलाई तृणमूल ने पंचायत चुनाव के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी का गुलाम रब्बानी से अल्पसंख्यक मामलों का विभाग लेकर खुद संभालने का कदम उन कई सुधारात्मक उपायों में से एक है जो ग्रामीण चुनावों में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने 2024 के आम चुनाव के लिए तृणमूल के अभियान के लिए भी पिच तैयार करनी शुरू कर दी है। वो पहले ही घोषणा कर चुकी हैं कि वो अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और इसके लिए वो कांग्रेस के बिना क्षेत्रीय दलों का गठबंधन बनाने के तरीके तलाश रही हैं। कांग्रेस और तृणमूल ने हाल ही में एक दूसरे पर तंज कसे हैं। तृणमूल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि तृणमूल और बीजेपी के बीच समझौता हो चुका है। हालांकि मानहानि के मामले में गुजरात की अदालत के फैसले के बाद सांसद के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता के मुद्दे पर ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तू डाल डाल मैं पात पात, कहावत तो आपने सुनी होगी। विपक्षी दलों का भी कुछ ऐसा ही है। उनके जो मुखिया हैं, इन दोनों खुद को साबित करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार पर। साफ साफ कहा है कि 100 दिन काम योजना और अन्य योजनाओं के लिए केंद्र जो है वो राशि नहीं दे रहा है, इसको लेकर निशाना बना रहे हैं और राजनीति अब इस पर गर्माती जाएगी। दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे जिनसे इस पूरी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। विजय खैरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुमित मेहरोत्रा, नेता टीएमसी, हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुमित जी, आपके पास आना चाहेंगे। दो दिन का धरना दे रही हैं, सियासत गरमाने के लिए है ये, एक सिंबॉलिक धरना है या वास्तविकता भी है वहां पर कुछ? ये रविंद्र भाई, देखिए वास्तविकता ये है कि आज जिस तरीके से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कमजोर करने में लगी हुई है, पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ आपके चैनल पे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कमजोर करने के लिए लगी हुई है 2024 से पहले, चाहे वो काम को लेकर के हो, चाहे सीबीआई ईडी के द्वारा का हो, किसी तरीके से विपक्ष को कमजोर करना है। पर हम लोग किसी तरीके से हार मानेंगे नहीं। बीच का जो धरना है वो वास्तविक सही है। आज मुझे बताइए, वहां पे जो रोजगार देने की बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के, क्या वहां पे सांसद नहीं है? भाई हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं कि हम तो सारे पार्टियों को साथ में लेकर के चलेंगे, तो उन्होंने किस रवैये के हिसाब से वहाँ पे भेदभाव कर रहे हैं? क्यों नहीं वहाँ पे जो बचा हुआ पैसा है वो देते हैं? नहीं, विपक्ष अगर मान लीजिए आप अगर हमसे इस बात का जिक्र करते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कमजोर कर रही है और हर बार इस बात की आप चर्चा करते हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी तो कोई ऐसे संकेत मिलने चाहिए कि वो मजबूत होने के लिए प्रयत्नरत है, प्रयासरत है, कुछ कर रहा है। सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है, सब अपने अपने अलग अलग नंबर पाना चाहते हैं जनता की निगाह में,
ऐसी कोई एकता का संकेत भी तो नहीं मिलता दिख रहा है ना। नहीं रविंद्र भाई आपको बताइए क्या माननीय ममता दीदी विपक्ष को एक नहीं कर रही है? अरे बिल्कुल विपक्ष को एक करा जा रहा है, पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ चैनल पे कुछ डिबेट में ये कहा जाता है कि नहीं ममता दीदी एक नहीं कर रही है, आपस में लड़ाई है। हमारा तो ये पहले से ही संदेश है कि हम तो एंटी सुमित जी एक उपचुनाव में एक सीट अगर कांग्रेस ले गई तो ये कहा जा रहा है कि उसने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम अपना लोकसभा का जो चुनाव लड़ेंगे वो स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, एक साथ नहीं आएंगे। उपचुनाव में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तब भी वो नाराज चल रही थी, तो ऐसे में कहां प्रयास हो रहे हैं एकता का। और उस पर देखिये एक और ताजा उन्होंने जो बयान दिया था राहुल गांधी को लेकर, नेतृत्व को लेकर उनके सवाल उठा दिए, तो ये एकता के तो संकेत नहीं है ना। जिस तरीके से उपचुनाव में कांग्रेस वहाँ पे सीट जीती है तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ कमी रह गई हो, इसीलिए जीती है। अपने पास वहाँ पे आपको मालूम है एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जो विभाग था वो अपने पास उन्होंने रख लिया, उस मंत्री को दिया। उनको ये है कि हाँ हमारी कहीं ना कहीं गलती होती है तो उसे हमें सुधारना है, और आने वाले चुनाव में हमें अच्छा प्रदर्शन करना है, चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, हमें वहाँ पे बंगाल में बंगाल वासियों के लिए काम करना है और सीटें अपने लेकर के आनी है, और भारतीय जनता पार्टी को 2023 में हटाना है केंद्र राज्य में। जिस तरीके आज भेदभाव हो रहा है राज्य में ना बीएसपी का पैसा, मतलब उनको लगता है, उनको ये लगने लगा है कि बाकी लोग ठीक तरह से काम नहीं कर पाएंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती कोई दे पाएगा तो टीएमसी दे पाएगी, और उसके लिए उन्होंने विभाग भी ले लिया एक शख्स से, यही तो है ना। खैर विजय खेरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय खेरा जी स्वागत करते हैं आपका, थोड़ा बीच में आया, हम टीएमसी से सवाल ही कर रहे थे क्योंकि आपके खिलाफ जो है विपक्षी दल एक होते जा रहे हैं, वो कह रहे हैं इतनी आतताई हो गई है सरकार, इतने जुल्म ढा रही है कि 100 दिन काम लोग करते हैं उनका पैसा तक नहीं दे रहे हैं आप लोग, जीएसटी का भी पैसा आप लोग नहीं देते हैं, तो इस तरह के अत्याचार के आरोप लग रहे हैं आप लोगों ऊपर। एक बड़े भारी तार्किक ने ये कहा था जब सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाए किसी राज्य के खिलाफ तो समझना चाहिए कि अब सरकार जनता के भारी हित में चल रही है, क्योंकि जब जब विपक्ष को अपना सिंहासन इस तरह दिखाई दे कि हमें कभी बैठने को नहीं मिलेगा तब ये सब होता है, तो विपक्ष के इकट्ठा होने से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, हो जाए न हो जाए। दूसरा इस बात का अभी सीधा सीधा प्रमाण है, 3 ही दिन गुजरे हैं, ममता बनर्जी ने ये कहा था कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी की टीआरपी बढ़ा रहे हैं, यानी पूरा राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी को ये कह दिया था जैसे वो बीजेपी की बी पार्टी हो, खुलेआम टीआरपी बढ़ा रहे हैं। इस कदर का अभी तक तो आरोप को भी तक तो नहीं लगा, कहा गया खाली बी पार्टी तो साहब कह दिया, इसका मतलब कुल लड़ाई इनमें आपस में इसकी कंपटीशन ये है कि विपक्ष का नेता कौन बने। ममता बनर्जी तड़प रही है किसी तरह राहुल गांधी को डाउन करके मैं बन जाऊं, क्योंकि ये रीजनल पार्टी है, एक स्टेट की है, कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में थोड़ी बहुत तो है सब जगह पर। नहीं वो तो कह रहे हैं, ममता जी तो ये कह रही है जन विरोधी रैली निकाल रही है, उन्होंने कहा जन विरोधी नीतियों के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो भाजपा की नीतियां हैं वो जन विरोधी हैं। नहीं वो विपक्ष का तो काम ही है ना, ये कोई भी सत्ताधारी पार्टी हो उन्हें तो ये कहना ही है, पहला सेंटेंस यहीं से शुरू होगा उनका कि ठीक से काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रहे थे तो ठीक से दोबारा मोहर कैसे लग गई थी हमारे ऊपर, अगर हम काम नहीं कर रहे थे तो हुआ क्या है कि अभी सारे स्टेट में फिर जीत से चले आ रहे हैं हम लोग, तो वो तो छोड़ दीजिए, वो तो जनता तय करेगी काम कर रहे नहीं कर रहे। रहा आपका सवाल, आपने अभी 3 राज्य में चुनाव हुआ, मेघालय में चुनाव हुआ, 2 सीट पे आप समेट के रह गए, और जहाँ आपकी केवल 2 सीटें आती है वहाँ से आप सरकार बना लेते हैं, क्या बात करते हैं, आपने सरकार बना ली, ऐसी बातें बताइए। 9 साल में आप तो हमें ये बता दीजिए, 9 साल में आप बताइए, 2 करोड़ नौकरियां हड़ताल देने का वादा करा था, कितनी करोड़ नौकरियां आपने दे दी, अच्छा सुमित जी विजय खेरा जी विधानसभा में 1 सीट 2 सीट आपको हो क्या गया है, फिर भी हिम्मत है आपकी इतना बोलने की, हमसे कह रहे हो नॉर्थ ईस्ट में आपने पूरा गवा दिया, हमने क्या गवाया, हमने तो गेन ही गेन किया है, आप तो 0 हो गए एकदम फट, यूपी में अपने स्टेट में जाके 4-4 प्रधानमंत्री 5-5 बने आपके कांग्रेस के, और आप खत्म हो गए। जवाब चाहेंगे आपका, क्योंकि लगातार जिस तरह के दबाव की बात की जाती है, अभी उन्होंने 3 राज्यों के चुनाव की बात की, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड की,
कह रहे हैं कि साहब जहां नहीं है कम संख्या में तब भी आप सरकार बना लेते हैं, क्या हो गया इसमें, क्या गलत हो गया? तो ऐसे क्या जादुई ट्रिक है उनको भी बता दीजिए। संख्या कम ज्यादा से क्या होता है, सवाल इस बात का है कि विधायक किसके साथ हैं, पार्टियां कौन सी किसको समर्थन दे रही है। नॉर्थ ईस्ट में ये कोई नई बात नहीं है, जब से नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए हैं अक्सर केंद्र की सत्ता के साथ ही जाती है वहां की सरकारें। मैं अभी आपको याद दिलाऊं इंदिरा गांधी के समय में वहां पर थुंगन थे चीफ मिनिस्टर और तुरंत जयसिंह राजू देसाई बने, उन्होंने बदल दिया था अपना पूरा का पूरा पाला। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा ही होता रहता है नॉर्थ ईस्ट में, तो उनको सत्ता को केंद्र पर डिपेंड रहते हैं। तो इसको छोड़ दीजिएगा, विधायक जहां बहुमत से जाएगा वहां सरकार बनेगी। लेकिन बाकी दो बातों का जहां तक सवाल है, अभी बार बार फिर कह रहे हैं कि विपक्ष क्यों इकट्ठा हो रहा है, अब आप ये बताइए क्या लोकसभा के अध्यक्ष कोई शक्ति थी कि किसी को हटा दे सांसद को? राहुल गांधी को नहीं हटा सकता ना, अब ये शक्ति है कि हटने के बाद लोकसभा उसको रख सके वापस, गए तो गए, ये शक्ति सिर्फ कोर्ट के पास थी, कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर दिया उसी दिन से आपकी सदस्यता खत्म, यू हैव टू सिंपली साइन इट, वेदर ही साइन हो। अच्छा, जिसने मामले पे स्टे लिया वो एक साल तक सोता रहा, उसके बाद अचानक नींद से उठा, वो गया और उसने कहा कि चलिए हम ये काम कर लेते हैं, और इतने लंबे समय तक सोया रहा वो। नहीं, सवाल ये कोर्ट के मामले में मुझे ना, तो मैं ये कहूंगा कि कोर्ट ने गलत किया सही किया मैं नहीं जानता, कोर्ट ने जो किया वो हम मानते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट गए, हम उदाहरण है ना, इतना चिल्लाया आपने राफेल पे, इतना चिल्लाया सुप्रीम कोर्ट तक गए, मार खा के चले आए आपने, इतना चिल्लाया नोटबंदी मार खा के चले आए। नहीं तो कांग्रेस तो इस बात को कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी जनता के हित में आवाज उठाते हैं, या विपक्षी दल कह रहे हैं कि हम जनता के हित में आवाज उठाते हैं, तो आप लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई मामले बना देते हैं। आपकी आवाज कोर्ट ने दबाई है, हमने नहीं दबाई, कोर्ट दबा रहे आप हमको, दोषी ठहरा रहे आप, गलतियां करते हो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो विपक्षी दलों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी दल में नहीं हूँ। आपसे नहीं कहा, आपको नहीं कोई बोला आपको, मतलब मैं आपको तो बोलता तो नाम लेके बोलता है। जी 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 जी, सुमित जी, आपका मतलब कांग्रेस से है, आपको देखिए हर बार मार खाते हो कोर्ट से, जनता से मार खाते, हमको चला देते निकाल देते हो आप, हमने क्या करा, आपने मोदी करा, सारे मोदी को गाली दे दी, गुजर मोदी को गाली दे दी, पीलू मोदी को गाली दे दी, दुनिया भर के। लेकिन अगर पंचायत चुनाव होते हैं तो क्या लगता है ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या बीजेपी इस बात के प्रति आश्वस्त है कि वहां पर चुनाव जीत लेगी टीएमसी से? क्योंकि आपकी नेता तो खुद कह रही हैं, आपके नेता कह रहे हैं राहुल सिन्हा, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हुए तो पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों से जाएंगे, ऐसा आभास क्यों हो रहा है? अगर जनता ममता बनर्जी के राज में सेवा अपराधियों के चुनाव में इन्वॉल्व होने के और कुछ नहीं है, जो उत्तर प्रदेश की स्थिति रही दसियों साल तक वही स्थिति। आप जवाब ले लेते हैं सुमित, चलिए सुमित बताइए। होता है एक जी, ये है जी, कि अभी क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, ये गलतियां ये एक एक करके हैं। पहले ममता बनर्जी, एक सेकंड के लिए सुनिए आप, राजनीतिक बात है ध्यान से। जी जी जी, ममता बनर्जी के साथ आप गए बर्बाद हो गए, आप सपा के साथ गए बर्बाद हो गए, आप बसपा में गए थे मायावती जी के साथ, आपके 27 एमएलए रह गए थे 27 से, आपने अपने आप को आप में आपने साथ दिया आपका, आप बर्बाद हो गए दिल्ली में। यानी गलतियां आप ऐसी ऐसी मेजर करते हो कि आप जिंदा करते हो बीजेपी के चक्कर में, आप हर एक चले। आप जवाब ले लेते हैं, केड़ा साहब कम है समय हमारे पास। हाँ सुमित जी, के पास आप विकल्प। सुमित जी जवाब दीजिए, आपने खत्म कर लिया। सुमित जी वो कह रहे हैं कि आप अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पे दोषारोपण मत करिए। रविंद भाई, जो खुद में चोर हो, खुद में एक करप्शन का एक पार्टी बन चुकी है, वो दूसरों को आरोप लगाती है। आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर रामपुर एक विधानसभा क्षेत्र, जहाँ आजम था और उनके बेटे की विधानसभा इन्होंने हटा करके वहां पर जिस तरीके से चुनाव कर रहा है, लोगों को वोट डालने नहीं दिया, लोकतंत्र की हत्या करती है, लोगों ने खुद चला है, सारी जनता ने कहा लोगों को वोट डालने दिया, ये हमें पाठ सिखा रहे हैं कि बंगाल के अंदर ऐसा हो रहा है। अरे आप गला घोट रहे हैं मान्यवर, आप गला घोट रहे हैं, आपकी पार्टी गला घोट रही है मानिए 2014 के बाद। लेकिन सुमित जी कुछ काम ऐसे होते हैं ना जिनको लेकर कम से कम इतनी भी नाराजगी नहीं होनी चाहिए कि हम ये भी भूल जाएं किस समय कौन सा काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी पर तो वैसे ही अभी मामला फंसा हुआ है बॉम्बे हाईकोर्ट का, जो राष्ट्रगान का अपमान करने की जो बात कही गई थी, इस तरह की चीजें अगर सामने आएगी तो फिर क्या होगा? रविंद्र भाई देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जिस तरीके से इन्होंने राहुल गांधी को संसद से हटाया, कि आप देखिए कोर्ट का फैसला आता है और के तुरंत बाद
लोकसभा का एकदम फैसला आप कानून तो पढ़ो। अरे अरे आप अरे सारे कानून, अरे भाई साहब सारे कानून आप बना रहे हैं इस समय, सारी सब कुछ चला रहे। तो ये जो दो दिन का जो धरना है सुमित जी संक्षेप में, ठीक है विजय खेरा जी, आपकी हवा खराब हो रही है, जमीन खिसक रही है। ये जो दो दिन का धरना है, पहले आपको बहुत बड़ा झटका मिलेगा सुमित जी। इस दो दिन के धरने से, इस दो दिन के प्रदर्शन से ममता बनर्जी के कद क्या इतना बड़ा हो जाएगा कि राष्ट्रीय राजनीति में वो राहुल के आगे चली जाएंगे? क्योंकि अब राहुल का कद धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और शायद ये ममता बनर्जी को डर सता रहा है कि जिसको वो कह रही थी कि नेतृत्व की क्षमता ही नहीं है, वो उसका कद अब बड़ा हो रहा है। या कोई वो नहीं है, किसी को दिखाने की बात हो रही है कि राहुल गांधी से हम बड़े हैं, ममता जी अपने आप को दिखा रहे, नहीं। ये बीजेपी के कुछ चैनल या कुछ प्रोपोगंडा फैलाया गया, ममता जी अपने आप को दिखा रही है। अरविंद भाई मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ चैनल के द्वारा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें यहाँ पे पूरे विपक्ष को एक करना है। एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस की जो बातें हो रही थी हमें वो करनी है। एंटी बीजेपी की स्थिति है, हम सब लोगों को एक होकर चुनाव लड़ेंगे। चलिए उम्मीद पर तो खैर दुनिया कायम है, कितना इससे सफलता आपको मिलेगी ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल दो दिन का धरना यहां देने जा रही है ममता बनर्जी। जन विरोधी नीतियों के विरोध में उनका प्रदर्शन भी होगा। अब इसके जरिए, अब चूंकि पंचायत चुनाव भी आने को हैं, उसमें भी वो चाहते हैं कि सियासत गर्मा जाए और वो किसी तरह से लोगों का झुकाव उनकी तरफ हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी एक उम्मीद के साथ है, यानी दोनों लोग उम्मीद के साथ टिके हुए हैं कि जनता का समर्थन उनको मिलेगा। 2024 तक की दूरी अभी तय करनी है, हालांकि उसमें अभी वक्त है। लेकिन इस प्रदर्शन से, इस धरने से ममता बनर्जी को क्या हासिल होगा, ये जरूर देखना है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।